देखिए इस वीडियो में हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे कि मेटल्स किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे मेटल्स यदि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो तो मैग्नेटिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करने के बाद सोडियम ऑक्साइड बनाया। मेटल एसिड के साथ यदि रिएक्शंस करे तो व्हेन मेटल कंबाइन विद एसिड दे विल फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे मेटल में Fe है, यदि HCl के साथ रिएक्शन करे तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जितने भी एसिड होते हैं प्रायः एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करें तो इसमें वाटर के साथ दो तरह का रिएक्शन होता है। यदि मेटल हाई रिएक्टिव है तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा, और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन। जैसे सोडियम है, सोडियम यदि वाटर के साथ रिएक्शन करे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। लेकिन यदि आयरन है तो आयरन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। तो जितने भी रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर के साथ यानी कोल्ड वाटर के साथ ही जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे, और जो थोड़ा सा कम रिएक्टिव मेटल होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। इसमें एक नाम आएगा एक्वारेजिया, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है एक्वारेजिया। इस एक्वारेजिया का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 का 3 और 1 का ये मिक्सर होता है। एक्वारेजिया इज द मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3 and 1। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व द पैसिव एलिमेंट्स लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड। इसका यूज जो है कुछ पैसिव एलिमेंट जैसे प्लैटिनम है और गोल्ड है उसको डिसॉल्विंग करने के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो किसी एसिड के साथ पार्टिकुलर या बेस के साथ नहीं रिएक्शन करते हैं, तो उनको रिएक्ट कराने के लिए हम लोग स्पेशल जो है एक रिएजेंट जिसको एक्वारेजिया बोले हम उस एक्वारेजिया का फॉर्मेशन करते हैं। माने सिंपली एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3 and 1। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व द पैसिव एलिमेंट्स लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड। सॉल्ट सॉल्यूशंस, यदि इस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस कराएं, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस कराएं, तो जैसे कि मान लेते हैं मेटल में आपका जिंक है, ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फेट और कॉपर, माने ये सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को फॉलो करेगा। यानी कोई मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो एक साल्ट बनाएगा और मेटल को रिप्लेस करता है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो क्लोरीन के साथ रिएक्शंस मेटल करेगा तो मेटलिक क्लोराइड बनाएगा। जितने भी मेटल होते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शंस करने के बाद मेटलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपका जिंक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो ZnCl2 बनाएगा, ये एक मेटलिक क्लोराइड है, और हाइड्रोजन के साथ यदि रिएक्शन करे मेटल तो मेटलिक हाइड्राइड बनाएगा, मेटलिक हाइड्राइड, मेटलिक हाइड्राइड। ऑल द मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन दे विल फॉर्म मेटलिक हाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन दे विल फॉर्म NaH सोडियम हाइड्राइड।
तो इस तरह से हम लोग देखें कि जितने भी मेटल हैं ऑक्सीजन के साथ मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जितने भी मेटल हैं एसिड के साथ साल्ट और हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, प्रायर मेटल यानी जो भी मेटल रिएक्टिव मेटल होते हैं ठंडे पानी के साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा कम रिएक्टिव मेटल होते हैं वो स्टीम के साथ ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन के साथ मेटलिक हाइड्राइड बनाएंगे। एक्वारिजिया एक नाम आया, एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व द पैसिव एलिमेंट्स लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल भी। और मेटल यदि साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किए तो साल्ट बनाएगा और मेटल बाहर रिप्लेस करते हैं, और मेटल यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो मेटलिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए इसमें एक्वारिजिया ये नाम आया, एक्वारिजिया ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। एक्वारिजिया इज द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब 3 मोल्स ऑफ HCl और 1 मोल्स ऑफ HNO3 ये मिलते हैं तो एक्चुअली एक रिएक्शन होगा NOCl प्लस H2O प्लस 2 मोल्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन, इसको नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं, इसको नाइट्रोसिल क्लोराइड बोला जाता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। इस नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड इज कॉल्ड टिल्डन्स रिएजेंट। एक्चुअली जब प्लैटिनम जो है प्लैटिनम को एक्वारिजिया में डालेंगे तो प्लैटिनम इज कन्वर्टेड इनटू PtCl4, यहां 1 PT, यहां 1 PT, यहां 4 Cl, 4 मोल्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन, ऊपर 2 से इनटू करके इसमें ऐड कर दें क्या आएगा, Pt प्लस 6HCl प्लस 2HNO3 गिव्स आउट PtCl4 प्लस 2NOCl प्लस 2H2O। यदि गोल्ड जो है रिएक्शंस करे, यदि गोल्ड जो है एक्वारिजिया के साथ रिएक्शन करें तो 3HCl प्लस HNO3 गिव्स आउट NOCl प्लस H2O प्लस 2 मोल्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन है, और AU रिएक्शंस करें तो AU इज कन्वर्टेड इनटू AuCl3, यानी यहां पर 3 मोल्स ऑफ नेसेंट क्लोरीन हम ऐड कर दें, इसमें 3 से इनटू कर दें, इसमें 2 से इनटू कर दें, ऐड करेंगे तो यहां 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कुल मिलाजुला करके 2Au प्लस 9HCl प्लस 3HNO3 गिव्स आउट 2AuCl3 प्लस 3NOCl प्लस 3H2O। तो इस तरह से एक्वारिजिया प्लैटिनम और गोल्ड के साथ रिएक्शंस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इस टॉपिक में नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से किस तरह से रिएक्शंस करती हैं, नॉन मेटल्स यदि वाटर के साथ कंबाइन हो तो क्या करेंगे, एसिड के साथ कंबाइन हो क्या करेंगे, साल्ट सॉल्यूशन के साथ कंबाइन हो तो किस तरह का ये केमिकल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, क्लोरीन के साथ कंबाइन हो तब ये क्या करेंगे, यदि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो तो क्या करेंगे। नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल वाटर और एसिड के साथ
कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं. नॉनमेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एसिड, बट इन केस ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन के साथ ये साल्ट ही का फॉर्मेशन करेंगे. जैसे NaBr प्लस क्लोरीन दे विल फॉर्म NaCl प्लस ब्रोमीन. मतलब हैवी रिएक्टिव नॉन मेटल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. यानी हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. इन केस ऑफ क्लोरीन, नॉन मेटल्स कंबाइन विद क्लोरीन दे विल फॉर्म नॉन मेटलिक क्लोराइड्स. जैसे फास्फोरस है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद PCl3 या PCl5 का फॉर्मेशन करते हैं. तो नॉनमेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद नॉनमेटलिक क्लोराइड बनाते हैं. यदि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद अमोनिया बनाएगा. मतलब नॉनमेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन फॉर्म नॉनमेटलिक हाइड्राइड. नॉनमेटल कंबाइन विद हाइड्रोजन दे फॉर्म नॉनमेटलिक हाइड्राइड. यानी नॉनमेटल ऑक्सीजन के साथ नॉनमेटलिक ऑक्साइड बनाया, नॉनमेटल वाटर और एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, नॉनमेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ एक साल्ट बनाया और यहां पर नॉनमेटल को रिप्लेस किया. क्लोरीन के साथ नॉनमेटलिक क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ नॉनमेटलिक हाइड्राइड बनाते हैं.